हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट नेम इज़ लेट्स स्टार्ट। पिछली क्लास में मैंने मैग्ना फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था, जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, उस फॉर्म को ट्रोफोजोआइड भी कहते हैं और पैथोजेनिक फॉर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट अब हमको डिस्कस करना है अबाउट माइन्यूटा फॉर्म, बट उससे पहले थोड़ा उसके न्यूक्लियस के बारे में हम देख लेंगे, क्योंकि उसमें कुछ एडेप्टेशन हुए हैं जिसको देखना इम्पॉर्टेंट है, कि जैसे कि उसमें का जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो फ्यूज़ हो जाता है। मैंने यहाँ बनवाया हुआ उसका स्ट्रक्चर, आप इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे इसका ये जो मिडल पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एंडोसोम, ठीक है, या इसको कैरियोसोम भी कहते हैं, और उसके चारों ओर कुछ स्पेस होता है जिसको हम हालो बोलते हैं, और वो ट्रांसपेरेंट एरिया होता है। और जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो क्रोमैटिन मटेरियल से फ्यूज हो जाती है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है शिफ्टेड टूवर्ड्स पेरीफेरी फ्यूज विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो डिस्पर्स ना होकर पूरे न्यूक्लियस में कंडेंस हो जाता है और स्पोक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है, और ये ग्रुप में अरेंज हो जाता है। तो ये इसका बेसिकली न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम माइन्यूटा फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। जो उसका माइन्यूटा फॉर्म होता है वो नॉन मोटाइल होता है, नॉन फीडिंग होती है उसमें, और नॉन फीडिंग शो करता है, और उस ये सेम ट्रोफोजोइट की तरह होता है। माइन्यूटा फॉर्म सेम जो है मैग्ना फॉर्म की तरह होता है, बस इसकी साइज मैग्ना फॉर्म से छोटी होती है, और इसमें फूड वैक्यूल्स और बैक्टीरियाज एब्सेंट होते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद जो इसकी फिजियोलॉजी है वो लेस डिस्क्राइब्ड है, बट कुछ हम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको स्ट्रक्चर को आप बना लीजिए, ये जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, फिर आगे हम माइन्यूटा फॉर्म में लिखेंगे, माइन्यूटा फॉर्म को लिखेंगे और फिजियोलॉजी जो भी है थोड़ी बहुत उसको डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने ये ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे माइन्यूटा फॉर्म। माइन्यूटा फॉर्म को प्रीसिस्टिक फॉर्म भी कहते हैं, प्रीसिस्टिक फॉर्म, ठीक है। इट इज नॉन मोटाइल, एंड नॉन फीडिंग फॉर्म, फाउंड इन ये हमारे इंटेस्टाइन का जो ल्यूमेन होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है, फाउंड इन ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन, एंड मॉर्फोलॉजी इज जस्ट सिमिलर टू मैग्ना फॉर्म, बट ये जो है जो होता है स्मॉलर इन साइज होता है मैग्ना फॉर्म से, ठीक है। फाउंड इन ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन, मॉर्फोलॉजी इज सिमिलर टू मैग्ना फॉर्म, बट स्मॉलर इन साइज एंड डोंट हैव, क्या क्या नहीं रखता है, फूड फीडिंग होती नहीं तो फूड वैक्यूल नहीं होगा और बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है, डोंट हैव फूड वैक्यूल एंड बैक्टीरिया, फूड वैक्यूल बैक्टीरिया एट्सेट्रा, ओके। और जो इसकी फिजियोलॉजी होती है दैट इज लेस डिस्क्राइब्ड, सो जो थोड़ी बहुत फिजियोलॉजी है लाइक लोकोमोशन कैसा होता है, इसका न्यूट्रिशन कैसा होता है वो डिस्कस करेंगे। इसको नोट कर लीजिए पहले। आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी में पहला लोकोमोशन, इनका लोकोमोशन जो होता है वो लाइमैक्स की तरह होता है,
लैमैक्स इज अ गार्डन स्लग, ठीक है, तो उसकी तरह जो है इसका मूवमेंट शो करता है. लोकोमोशन शोज एज लैमैक्स गार्डन स्लग लाइक मूवमेंट. नेक्स्ट इसमें है लोकोमोशन के बाद हम नेक्स्ट इसमें है न्यूट्रिशन. इनमें जो न्यूट्रिशन होता है ये इम्पॉर्टेंट है. न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है. एक टर्म आता है फैगोट्रॉफी. फैगोट्रॉफी फैगोट्रॉफी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं या लार्ज फूड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ये इनगल्फ कर लेते हैं. कैसे? ये जो इनकी स्यूडोपोडिया होती है ये पोस्टीरियर साइड से कुछ ऐसे स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और अगर कोई भी फूड ऑर्गेनिजम्स है सपोज समथिंग सो इसके चारों ओर ये क्या करती हैं एक स्पाइरल कवरिंग करके इसकी डेथ कर देती है और फिर वापस आके ये जो इसकी मेम्ब्रेन है स्यूडोपोडिया की ये फूड वैक्यूल में कन्वर्ट करती है और जो ऑर्गेनिज्म है उसको इनगल्फ कर लेती है. तो एक इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशन इसमें फैगोट्रॉफी. ठीक है फैगोट्रॉफी. नेक्स्ट जो है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इसमें एनएरोबिक होता है. दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं एनएरोब्स में. पहला जो है ऑब्लिगेट एनएरोबिक रेस्पिरेशन और सेकेंड फैकल्टेटिव. तो जो ऑब्लिगेट होता है उसमें जो पैरासाइट होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस अगर होती है तो उसमें मर जाता है. ठीक है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट. और सेकंड इज़ फैकल्टेटिव. फैकल्टेटिव हम उसे बोलेंगे कि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो उसमें वो एरोबिक रेस्पिरेशन करके एटीपी का फॉर्मेशन करता है और अगर उसका एब्सेंस होता है तो फर्मेंटेशन करता है. तो जो ऑब्लिगेट एरोब्स आते हैं उसका एग्जाम्पल है हेलमिंथ पैरासाइट और जो फैकल्टेटिव है दैट इज़ प्रोटोजोन पैरासाइट. तो उसको लिख लीजिए. रेस्पिरेशन कैसा होता है इसमें? रेस्पिरेशन एनएरोबिक. यहाँ पे ऑब्लिगेट एनएरोब्स एंड फैकल्टेटिव. फैकल्टेटिव एनएरोब्स के बारे में लिख लीजिए. ऑब्लिगेट जो होंगे कौन से? हेलमिंथ्स पैरासाइट्स एंड इसका प्रोटोजोन फैकल्टेटिव प्रोटोजोन पैरासाइट्स. ये भी इम्पॉर्टेंट है फैकल्टेटिव. इसको याद कर लीजिएगा. फैकल्टेटिव पैरासाइट्स कितने? जो भी प्रोटोजोन के पैरासाइट्स हैं वो कैसे हैं? फैकल्टेटिव एंड एरोब्स हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो इसमें फिजन होता है. ठीक है जो इसमें रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है. रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन जो होता है बाइनरी फिजन के थ्रू होता है. मतलब जो इसका मैग्ना फॉर्म है मैग्ना फॉर्म इट इज डिवाइडेड इंटू टू. ठीक है एंड आफ्टर सम टाइम्स दिस टू आर डिवाइडेड इन मिडल पार्ट एंड फॉर्म माइन्यूटा फॉर्म्स. माइन्यूटा फॉर्म्स दिस इज मैग्ना फॉर्म. इसी को हम ट्रोफोजोआइट भी कहते हैं. ट्रोफोजोआइट और पैथोजेनिक फॉर्म ठीक है एंड दैट इज माइन्यूटा फॉर्म. माइन्यूटा फॉर्म में कुछ जो माइन्यूटा फॉर्म वाले पैरासाइट्स होते हैं ये अगेन फॉर्म करते हैं मैग्ना फॉर्म. ठीक है बट कुछ सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं और इनके चारों ओर एक वॉल जनरेट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं सिस्ट वॉल. ठीक है
ट्रांसिस्ट वॉल, और यहाँ पे एक क्रोमेटॉइड बार बॉडी, क्रोमेटॉइड बार बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जो क्या है एक डेंस आरएनए बॉडीज है, डेंस आरएनए बॉडी है, ठीक है, दैट इज क्रोमेटॉइड बार बॉडी क्या है, डेंस आरएनए बॉडी है। फिर इसके आगे जो क्रोमेटॉइड बार बॉडी है, इसमें कैसे आगे जो है प्रोसेस होती है डेवलपमेंट की, उसको हम पढ़ेंगे। पहले आप इतना बना लीजिए डायग्राम को, फिर इसके आगे का बनाती हूँ, मैं बताती हूँ कैसे होगा। इसे न्यूक्लिएट सिस्ट और अर्ली सिस्ट भी बोलते हैं, अर्ली सिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका डिवीजन कैसे कैसे होता है और कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज है, या आई होप कि ये नोट कर लिया होगा आपने। एक और टर्म है इसमें, वो नोट कर लीजिए कि इनकी लाइफ हिस्ट्री कैसी होती है। तो इनकी लाइफ हिस्ट्री जो होती है वो मोनोजेनेटिक होती है, मतलब दीज हैव ओनली वन जनरेशन इन देयर लाइफ साइकिल, देयर इज नो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो चलेंगे हम, सिस्ट जो है इसका क्रोमेटॉइड बार बॉडी अर्ली सिस्ट, इट इज डिवाइडेड इनटू, दिस न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू टू, जिसको हम बोलेंगे बाई न्यूक्लिएट सिस्ट, बाई न्यूक्लिएट सिस्ट, एंड नेक्स्ट इट इज डिवाइडेड इनटू फोर, दिस न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू फोर, एंड इट इज कॉल्ड टेट्रा और क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट, एंड इट इज द इन्फेक्टिव स्टेज। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस टेट्राक्वाडी न्यूक्लिएट सिस्ट, इट इज कम्स आउट थ्रू फेसेस एंड इन्फेक्ट न्यू होस्ट विथ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। और इसका जो बेस्ट वेक्टर है दैट इज हाउस फ्लाई और कभी कभी मैन टू, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, कम्स आउट विथ फेसेस एंड इन्फेक्ट न्यू होस्ट विथ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। और जब ये किसी न्यू होस्ट को मतलब इन्फेक्ट कर देता है, तो इसकी जो सिस्ट की जो सिस्ट वॉल होती है विच इज़ डाइजेस्टेड इन इंटेस्टाइन, ठीक है। न्यू होस्ट में जाता है ये, एंड यहाँ पे क्या होता है, इसकी इंटेस्टाइन में क्या होती है, इसकी सिस्ट वॉल डाइजेस्ट हो जाती है, एंड इट इज़ द यंग वन एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड मेटासिस्ट और प्रीसिस्टिक स्टेज, एग्जिस्टिक स्टेज और फॉर्म, ठीक है। आफ्टर न्यूक्लियस डिविजन एंड साइटोप्लाज्म अरेंजमेंट, इट इज फॉर्म 8 अमीबुली,
trophozoite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 daughter. 8 amoebally trophozoite, right? And it forms, and it secretes histolysin, okay? And it secretes histolysin that damages intestinal wall, and after feeding and growing, it is formed magna form. यहाँ पे लिख लीजिए. सीक्रेट्स हिस्टोलाइसिन फॉर डैमेजिंग इंटेस्टाइनल वॉल फीड इन feed and form magna form. ठीक है, क्या करती है ये magna form कर लेती है. तो इस तरह इसकी cycle complete होती है and that is monogenetic cycle. इसके बाद next video में हम discuss करेंगे इससे होने वाली diseases and treatments. ठीक है, so आज के इसका मैंने रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया है. इससे बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं दैट इज विच स्टेज इज कॉल्ड इन्फेक्टिव स्टेज, विच स्टेज इज कॉल्ड पैथोजेनिक स्टेज, और यंग वंस का नाम क्या होता है दैट इज मेटासिस्ट और एक्सिस्टिक स्टेज. सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. तो आई होप कि ये नोट कर लीजिए. इसमें और सब चीज़ें नहीं आता है, नहीं कोई चीज़ें आती हैं, और ये एक वन जनरेशन में होने वाली इसकी लाइफ साइकिल है दैट इज़ मोनोजेनेटिक. सो इसमें आपको इतना ही पढ़ना है. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इससे होने वाली कुछ डिजीजेज और उनके ट्रीटमेंट्स के बारे में. सो आई होप कि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगे. अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए. थैंक यू सो मच.